नमस्कार। टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। आजमगढ़ की अतरौली से खबर है, जहां विधानसभा के उद्योग इंटर कॉलेज कोलसा में बृहस्पतिवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान भाजपा के सभी 5 मंडल अध्यक्ष समेत जिले के पदाधिकारी उपस्थित रहे। निषाद पार्टी भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह के समर्थन में लोगों से एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए संजय कुमार निषाद ने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि 70 वर्षों से जिसकी रैली में निषाद समाज के लोग रहे, आज उनकी थैली बन गई है। निषाद पार्टी के लोगों पर पौवे का लेबल लगा। अब निषाद समाज के लोग भाजपा गठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव में दिलाकर यह साबित करेंगे कि निषाद समाज के लोग पौवे पर नहीं बिकने वाले। कभी राम और निषाद राज बल्ब राज जब गले मिले थे तो जब राम राम राज आ गया था, आज वही निषाद राम निषाद राज भाजपा गठबंधन के साथ मिलकर राम राज लाने का कार्य कर रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? और हाँ, और आपके पार्टी के बड़े नेता से लेकर के मंच भरा रहा भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज मैंने अपनी जिम्मेदारी उठाई है। मैंने नामांकन नहीं किया है, मैंने अपने परिवार अपने समाज की जिम्मेदारी उठाई है। और रही बात मुझे आशीर्वाद देने हमारे पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी स्वयं आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो आपने सबको देखा यहाँ पे, चाहे वो हमारे जिला अध्यक्ष जी हों, चाहे वो हमारे विधानसभा प्रभारी हों, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष जी हों, चाहे हमारे और भी वरिष्ठ नेता हों, सब ने मुझे एक आशीर्वाद दिया है। और मेरा आने का एक ही उद्देश्य है यहाँ पर, मुझे अपनी विधानसभा का, अतरौलिया की विधानसभा का केवल विकास करना है, जो कि बेचारे एक भ्रम में एक परिवार। आज का जो नामांकन करने के पश्चात आप आए सिंहासन, इस जनसभा से क्या संदेश देना? उसका नाम ही नामांकन है जी। नाम का अंक मिलता है, तो ये पहला अतरौलिया है जो निषाद पार्टी यहाँ जीत कर खाता मतलब आगे आएगी। और जिस तरीके से 70 साल से कांग्रेस का जो परिवारवाद था वो मोदी जी योगी जी ने ख़त्म किया है, और 2017 में मैं आकर चुनाव लड़ा तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी समाजवाद के नाम पर एक परिवारवाद था, वो भी ख़त्म हो गया। और 2019 में आपने देखा होगा कि ऐतिहासिक बसपा सपा का बहुत बड़ा गठबंधन था, फिर भी हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी। उसी तरीके से 2022 में हम लोग निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपना दल या अपना NDA के गठबंधन के हम लोग अंग हैं, और यहाँ उसी तरीके से एक परिवार, जिस तरीके से जंगल राज लोगों के अंदर भय पैदा करना, आतंक मचाना, उनके शोषण करना, उनके पैसों पर डाका डालना, उनके विकास को रोककर अपने निजी